बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी गंभीर बीमारियों को लोग छुपाते हैं, लोगों को शर्म आती है और बाद में चलकर यही बीमारियां उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। कई डॉक्टर बवासीर के नाम पर लाखों रुपए की ठगी तक कर लेते हैं, लेकिन लोगों की ये बीमारी दूर नहीं होती और लोगों को बार बार बवासीर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है। आपको अगर इसका सफलतापूर्वक इलाज करवाना है, चाहे वो बवासीर का हो, चाहे वो भगंदर का हो, चाहे वो फिशर का हो, तो आप सीधा आइए जनता पाइल्स क्लिनिक पर और यहाँ पर आपको जो है वो सफलतापूर्वक, वो भी कम बजट में आपका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल। किसी भाई बहन को किसी प्रकार की बवासीर, भगंदर की, फिशर की प्रॉब्लम है तो हमारे जनता क्लिनिक में नियर पेट्रोलम भजनपुरा में आके संपर्क करें। बिना ऑपरेशन के चार सूत्र विधि द्वारा इलाज किया जाएगा। सर, किस तरीके से आप बवासीर का इलाज करते हैं? देखो जी, हमारे यहाँ जो इलाज होता है आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है, चार सूत्र द्वारा। चार सूत्र जो है सर्टिफाइड ट्रीटमेंट है, WHO का रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। चार सूत्र के बारे में जितना काज है उतना कम है। चार सूत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज तक भी बड़े बड़े आप हॉस्पिटल में जाओ, लोग हेमरेटाटोमी करते हैं, फिक्सेटाटोमी करते हैं, फिस्टाटोमी करते हैं, उससे क्या होता है, प्रोटेक्टिस हो जाता है, लैटिन से सुकड़ जाता है। चार सूत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चार सूत्र में जो पाइल्स मास होते हैं उनको लैगेट कर देते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर मस्से सूख के झड़ जाते हैं। अल्कलाइन थ्रेड होता है ये, ठीक है, इसके pH लेवल 7 होता है। हमारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, कोई ऑपरेशन नहीं है। 10-15 मिनट टेस्टिंग में लगते हैं, 10-15 मिनट प्रोसीजर का होता है, आध घंटे बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। दूर से आए हुए पेशेंट रोगी के लिए रहने की, खाने की, रुकने की सुविधा बिल्कुल फ्री दी जाएगी हमारे यहाँ। ठीक जी। एसिडिटी नहीं होता, एटमोसफेयर को चेंज करता है ये और साथ के साथ हीलिंग भी करता है ये। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। किसी प्रकार का कोई दर्द हो, किसी प्रकार की और कोई परेशानी? नहीं, इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। RO ट्रीटमेंट है, लाइफ टाइम की हमारी गारंटी रहती है। जीवन में कभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम कभी नहीं आती। दोबारा होने पर रोगी को दोबारा कोई फीस नहीं ली जाती और फ्री इलाज दिया जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बार बार होने का खतरा रहता है। अगर आपसे पेशेंट इलाज करवाते हैं तो क्या लगता है कि इस तरीके की बीमारी बार बार होगी अगर जनता क्लिनिक के आने के बाद भी? नहीं जी नहीं, हमारे फुल गारंटी रहती है। हम अपनी लेटर पैड पे लिखित रूप में गारंटी देते हैं, जीवन में दोबारा कभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी। अच्छा, अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा अहम होता है। बवासीर के नाम पे लोगों से लाखों रुपए ठग लिए जाते हैं, क्या जनता क्लिनिक पर किस तरीके से इलाज किया जाता है, कितना खर्चा जो है? देखो जी, हमारे यहाँ पेशेंट आता है, उम्मीद लेके आता है। मोस्टली पेशेंट जो हमारे यहाँ आते हैं, पेशेंट टू पेशेंट आते हैं। जैसे कि एक पेशेंट ठीक होता है दूसरे पेशेंट को बताता है, दूसरा पेशेंट ठीक होता है तीसरे पेशेंट को बताता है। हमारे यहाँ चैन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। जैसे पेशेंट आते हैं यहाँ, 200 रुपये की पर्ची कटती है OPD चार्ज, उसके बाद हम पेशेंट को जाँच करते हैं, प्रोटोस्कोपी जाँच करते हैं, जिसमें हम देखते हैं पेशेंट की कंडीशन क्या है, कौन सी ग्रेड की पाइल्स है, फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स है, सेकंड ग्रेड की पाइल्स है, थर्ड ग्रेड की पाइल्स है, ये फोर्थ ग्रेड की पाइल्स है। पाइल्स के अलावा फिशर तो नहीं है, फिशला तो नहीं है, रेक्टल प्रोलैप्स तो नहीं है, ठीक है, पाइलोरल साइनस तो नहीं है, मैलिगनेंसी तो नहीं है, कार्सिनोमा तो नहीं है। पहले जांच किया जाता है पेशेंट को, जांच करने बाद ही खर्चा बताया जाता है। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो है वो लाखों रुपए लग जाते हैं, जनता क्लिनिक पर लगभग कितने पैसे जो है वो इलाज हो जाएगा पूर्ण रूप से बवासीर? देखो जी, जांच के ही बाद ही बताया जाता है खर्चा, बिना देखे ऐसा कोई खर्चा नहीं बताया जाता इसमें। बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात की जाए, अब वहाँ पेशेंट जाता है, पहले कोलोनोस्कोपी करा देते हैं, 5-6 हज़ार रुपये टेस्ट करा देते हैं, दुनिया भर के टेस्ट करा देते हैं, ठीक है, पेशेंट को एडमिट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, उसके बाद भी रिकरेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारे ट्रीटमेंट से, चार सूत्र ट्रीटमेंट से रिकरेंस के चांसेस 0% रहते हैं। क्या नाम आपका? वीर भवन शर्मा जी। कहाँ से आया? मैं भाई जगजीत नगर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराया था आपने? मैंने बवासीर का क्षारीय सूत्र के द्वारा मतलब ऑपरेशन कराया था। हाँ, कितने टाइम पहले? करीब हो गए 7-8 साल के आस। अच्छा 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 अच्छा, आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, इस टाइम मतलब आराम है। ठीक है, आज आप पेशेंट को लेकर आए किसी? हाँ ठीक है जी। मेरा नाम MD रफीक है। मैं तकरीबन जनता पैलेस क्लिनिक को 14-15 साल से मैं जानता हूँ और इस बीच में हमने अपने सिस्टर का भी यहाँ इलाज करवाया था। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ, बढ़िया हुआ। मैं अपने भांजे को भी लेकर के आया था, वो भी तसल्लीपूर्वक इलाज उनका हुआ। और तकरीबन जगजीत नगर उस्मानपुर से में हमने उस्मानपुर से तकरीबन जो है 40-45 पेशेंट को यहाँ पे भेजा है हमने और सभी का इलाज तसल्लीपूर्वक हुआ, बढ़िया हुआ।
और आज मैं फिर अपने दोस्त जिनका नाम मोहम्मद सदर आलम है उनको लेकर के आया हूँ। उनका भी इलाज हो रहा है और माशाल्लाह मुझे यकीन है कि बिल्कुल तसल्लीपूर्वक होगा और अच्छा है, बेहतर है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है हमें यहाँ पे पेशेंट को भेजने के लिए भी और कोई भी बंदे हो उनका इलाज करवाने के लिए भी बहुत तसल्लीपूर्वक इलाज होता है। थैंक यू सर। ओके, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं जनता क्लिनिक में आया था, मैं वो मगंदर भगत सिंह ऑफिसर थी। अब मैं पहले से बहुत सही हूँ और मैं अपने भाई को दोस्त को लेकर आया हूँ, ये भी बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, बहुत पक्का इलाज है, 100% गारंटी। मेरा नाम ब्रह्म ज्ञान है और मैं कम से कम 10-12 साल से जनता क्लिनिक पे काम कर रहा हूँ असिस्टेंट के तौर पे। यहाँ काफ़ी दूर से पेशेंट आते हैं, बहुत दूर दूर से, और सभी पेशेंट ठीक होते हैं यहाँ, पेशेंट टू पेशेंट आते हैं। हमारा अच्छा अनुभव है, डॉक्टर साहब अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अक्सर सूत्र का यहाँ इलाज होता है। डॉक्टर साहब, इस बवासीर में क्या कुछ खाना चाहिए जिससे बवासीर की बीमारी बार बार उभर ना सके? देखो, एक तो अपना पेट का ध्यान रखो, कब्ज नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा पिए, फाइबर डाइट लें, नॉन वेज ना लें, अंडा ना लें, इसे कब्ज होता है, ऐसी चीज़ें ना लें। तो मुख्य कारण जो इसका कब्ज ही होता है, मुख्य कारण कब्ज ही होता है। अगर इसको क्षार सूत्र की बात करें तो ये क्षार सूत्र होता क्या है? एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो 21 दिन में तैयार होता है, एक धागा दवाई का, उससे मस्से को बांध दिया जाता है, लगेट कर दिया जाता है, मस्सा अपने आप जड़ जाता है। जनता क्लिनिक में लगभग बवासीर की 5-6 लाख लगभग मरीज जो है ठीक हुए हैं, जो कि हमारा क्षार सूत्र के माध्यम से वो सही हुए हैं। आज तक एक भी मरीज का कोई रिकरेंस का नहीं आए हैं आज तक अभी, इसीलिए हमारा जो क्लिनिक का जो पेशेंट टू पेशेंट भीड़ होती है, इसीलिए कि कोई रिकरेंस नहीं है और जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं पेशेंट टू पेशेंट ही आते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप गारंटी भी देते हैं? हाँ, मैं ये इसीलिए आप पेशेंट को लिख के देते हैं, गारंटी मोर मार के देते हैं कि ये दोबारा नहीं होगा, अगर दोबारा होगा तो हम फ्री इलाज करेंगे। लेकिन आज तक कोई ऐसे पेशेंट आया नहीं कि जो रिकरेंस हुआ है। जो स्पेशलिस्ट है, सर्जरी स्पेशलिस्ट है हमारा जो आयुर्वेद में है, वो एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट या गुदा रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं। हमारा ये क्लिनिक में जो मेन पेशेंट की जो भीड़ है आप देख रहे हैं, यहाँ पे भीड़ होने की एक ही मकसद है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है अच्छा इलाज होता है। और यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होती है फिस्टुला के बारे में कहेंगे तो, वो पहले से कभी पेशेंट जो होती है कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में ठग चुके आते हैं, दोबारा उनका रिकरेंस होता है। हमारा यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है क्षार सूत्र के माध्यम में किया जाता है और इपटैक प्रोसीजर जो है BHU में अडॉप्ट हुआ है उसका भी यहाँ पे करते हैं, और उसकी जो कॉस्ट प्राइसिंग होती है बहुत लो होता है, जो कि पेशेंट को अफोर्डेबल होता है। और दूसरी, अगर किसी की हॉस्पिटल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिस्टुला के नाम से लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, किसी को ठग के लेना पैसा हमारा नहीं है, हमें पेशेंट को सुविधा देना है और अच्छे इलाज दें ताकि दोबारा ना हो, ये हमारा मेन मकसद होती है इसकी, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो भीड़ होता है पेशेंट टू पेशेंट आते हैं, ये है हमारा ट्रीटमेंट की प्रोसीजर है क्षार सूत्र के। डॉक्टर साहब, बवासीर जो है बार बार उभरने वाली बीमारी होती है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इस तरीके की बार बार कंडीशन देखी जाती है, क्या अगर जनता क्लिनिक पर इलाज कराने के बाद भी पेशेंटों को दोबारा आना पड़ता है, उनको भी क्या दोबारा जो है वो बवासीर की बीमारी दोबारा होती है? आज तक हमने जितने भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है बवासीर में, अब तक किसी का रिकरेंस आया नहीं है और हम इतना उम्मीद भी है आगे भी वो आना है। एक बार पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट लेते हैं, इलाज 10 मिनट का इलाज, आधा घंटा का यहाँ पे रेस्ट, और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद उसको चेकअप के लिए बुलाते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो और दूसरे नेक्स्ट विजिट के लिए हमने भेजते हैं। उसके बाद पेशेंट को एक रुपया की खर्चा नहीं करना पड़ता है या दोबारा ना आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, इसीलिए हमारा पेशेंट टू पेशेंट यहाँ पर इतना भीड़ है।